नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन पर खाली नजर आई मुंबई की सड़कें। सोमवार सुबह तक लागू रहेगी पाबंदी। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू हुआ है, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन लागू होने पर मुंबई की सड़कें सुनसान नजर आई। वहीं मुंबई बीजेपी के नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली में सोमवार से शुरू हो सकता है 6ठा सीरोलॉजिकल सर्वे। 28,000 लोगों के सैंपल लेकर होगा आंकलन। दिल्ली में अब तक 12 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इन लोगों का सैंपल को अलग से ले लिया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि इन्हें कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है या नहीं। कोरोना की लहर बेकाबू। 24 घंटे में आए 1,45,000 नए केस। एक्टिव केस 10 लाख के पार। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,52,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की एक बार फिर मार। नाइट कर्फ्यू के चलते सर्विस सेक्टर पर दिखा भारी असर। देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर भारी चोट मार सकता है। देश के कई राज्यों में लगे नाइट कर्फ्यू के चलते व्यापार और कारोबार पर साफ देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक। मंगला आरती की टिकट बुकिंग बंद। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार ने मंदिरों और मठों पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर में कई प्रतिबंध लागू किए गए। दिल्ली में रात 10 बजे के बाद भी खुला हुआ था पब। नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर पुलिस ने किया केस। सीएम केजरीवाल बोले कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में बढ़ेंगी पाबंदियां। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। अगले 1-2 दिन में कोरोना दिशा निर्देश को लेकर और सख्ती बरती जाएगी। प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ के कारण रेलवे ने बंद की प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। मुंबई सहित पूरे राज्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल से लगाए गए कड़े नियम और पाबंदियां हैं, जिसके चलते काफी संख्या में मजदूर वर्ग के लोगों का फिर से पलायन होने लगा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई काम करने के लिए आने वाले तमाम मजदूर अपने राज्य को फिर से वापस लौटने लगे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच खूब फल फूल रहा कोरोना। 30 दिनों में 15 गुना बड़े केस। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को मतदान शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया आगामी 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। सियासी दौर में राज्य में राजनीतिक दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बिजनेस में विवाद को ऑनलाइन सुलझाए जस्टिस चंद्रचूड करेंगे हैंडबुक को लॉन्च। बिजनेस के मामलों में विवाद को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से निपटान के लिए नीति आयोग ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक तैयार की है। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड लॉन्च करेंगे। किसान 24 घंटे के लिए बंद करेंगे कि MP हाईवे। शव वाहन एम्बुलेंस को मिलेगी छूट। दिल्ली की सीमाओं पर चले आंदोलन को किसान एक मजबूत धार देने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि किसान लगातार नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी किसानों ने कई रणनीति बनाई ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कोई वार्ता नहीं हुई। प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी पाबंदी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश के 8 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल सभी क्लासेस को बंद करने का फैसला किया है। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए WHO ने बताया तरीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि वायरस और उसके विभिन्न स्वरूपों को फैलने से रोकने के लिए COVID-19 संबंधी उपयुक्त बर्ताव ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उन्होंने कहा कि जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, आइसोलेशन और उपचार के प्रयास बढ़ाने होंगे। कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी को लेकर दिए गए एक साक्षात्कार में सिंह ने रोग के खिलाफ लड़ाई में खांसने व छींकने संबंधी शिष्टाचार बरतने, हाथों की साफ सफाई और सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में बात की। उम्र सीमा हटे तो दिल्ली में 2 से 3 महीनों में सबको लग सकती है वैक्सीन। अरविंद केजरीवाल। अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी। फेल नीतियों से आई कोरोना की दूसरी लहर। राहुल गांधी।
संकट के समय दी जाने वाली मदद रहे जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गरीब देशों के लिए की मांग। वित्त मंत्री सीतारमन ने विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकास समिति की 103वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए विकासशील देशों को समय पर और सस्ती दरों में टीका उपलब्ध कराने में विश्व बैंक समूह द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना। पंजाब में रोजाना 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का सरकार का लक्ष्य। पंजाब में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर रोज 2 लाख लोगों को वैक्सीन देने का निर्देश दिया है। सीएम मनोहर का ऐलान, सभी स्कूल 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद। सीएम ठाकरे आज पूर्व लॉकडाउन पर ले सकते हैं फैसला। केजरीवाल बोले, 7 दिन की बची कोविड वैक्सीन। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।